मैं कंचन देवी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर, ये छोटा सा क्षेत्र है, इसके अंदर अपना निष्पक्ष योगदान दे रहे हैं और जो भी न्यूज़ ये दिखा रहे हैं, प्रत्येक जन व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की न्यूज़ें, पॉलिटिकल व्यक्तियों की न्यूज़ें और सोशल वर्कर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ों को उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे देश हित होता है। और इसी प्रकार मैं आपको एक बात, हमारे अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का हमारा 4 मार्च का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिस प्रोग्राम का नाम जाति तोड़ो समाज जोड़ो रखा गया है। क्योंकि आज के समय में प्रत्येक पार्टी जाति के ऊपर, जाति समीकरण के ऊपर काम कर रही है, जिससे देश का और सर्वजन का हित नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज की होड़ लगी हुई है कि सिर्फ हम जाति के ऊपर इस चीजों के, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे जाट आरक्षण का माहौल था या 2 अप्रैल के अंदर ऐसे समाज का माहौल था। एक हमारी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं और वो पार्टी 1956 में बनी थी, ये कोई नई पार्टी नहीं है। और 1957 में हमारे 6 MP बन के आए थे, लेकिन ये पार्टी हितों की पार्टी थी क्योंकि बाबा साहब दलित समाज से थे, इसलिए इसके अंदर जो भी आया नेता बनता रहा और पार्टी छोड़ता गया। लेकिन एक माननीय केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी हैं जो उस पार्टी को, उस मिशन को लेके चले हुए हैं और वही विचारधारा वो लोगों को यहाँ पहुँचाने के लिए रामलीला मैदान जींद में पहुँच रहे हैं 4 मार्च को। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप सभी वहाँ पहुँचें। और साथियों, जो पार्टी का मोटो जिस पे हम ये रैली कर रहे हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यही चीज़ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कही थी। उन्होंने कभी भी किसी, ऐसा नहीं है कि दलित समाज से दलितों के लिए किया। जैसे हमारे घर में एक 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को चोट लग जाती है तो हम, नेचुरल सी बात है कि हम 3 बच्चों की तरफ तो ध्यान रखेंगे, लेकिन जिसको चोट लगी है ना उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसे ही बाबा साहब ने उस वक्त दलित शोषित पीड़ितों को, उस वक्त दलित समाज ऐसा था जिसको ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता थी, क्योंकि 5000 साल तक उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने उनको आरक्षण दिया, उनको अधिकार दिए। ऐसे ही उस वक्त जो मातृशक्ति थी, बहनें थी, उनको 5000 साल तक उनको भी वंचित रखा गया था, लेकिन वो किसी भी समाज की थी, उनको पाँव की जूती समझा जाता था। तो लेकिन बाबा साहब ने उनको समान अधिकार दिए, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब सर्व समाज के थे, वो एक समाज के नहीं थे। इसी मिशन को लेके अब हमारे केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी ने जो 10% आरक्षण हमारे सुन समाज को दिया गया है, वो इस चीज़ को आज से 10 साल पहले से उठाते आए हैं और वो अब जाके मोदी गवर्नमेंट ने पूरा किया है। तो आप इस चीज़ से समझे, ये एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है भारत के अंदर, जो सर्व समाज को जोड़ने की बात करती है, जो जाति के ऊपर बात नहीं करती है, वो प्रत्येक समाज को ऊपर उठाने की बात करती है। तो मेरा आग्रह है आप सभी से, 4 मार्च का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिस प्रोग्राम का नाम जाति तोड़ो समाज जोड़ो रखा गया है। इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं, जो 4 मार्च को जींद रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, जो सर्वजन की आवाज़ उठाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी भारी जनसमूह के साथ वहां पहुंचें और इस रैली को सफल बनाएं। नमस्कार।